बेसिक मेचर तो भाव है कोई भी जहा छोटा कारोबार जिसनों एक या एक तो ज़्यादा लोग मिलके थोड़ी जी पूंजी लगा के कारोबार या काम करते हैं, इस विच कोई भी रिपेयरिंग का सर्विसिंग का या मैनुफैक्चरिंग का काम हो सकता है ता जो उस विचों चार पैसे प्रॉफिट से कमा सकन। उस दे लई तुहानूं एक विशेष किस्म की प्लानिंग की लोड़ पैंदी है। ते उस तो इलावा थोड़े को किस किस्म दियाँ जिहड़ियां प्री रिक्वेस्टीज कि चीज़ा थोड़े को होने चाहिए हैं, किस किस्म की थोड़े को महारत हासिल होनी चाहिए है, इस बारे हम असी जानकारी लवेंगे। सब तो पहला कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए तुहानू एक बहुत ही वधिया प्लानिंग की लोड़ है, प्लान बनाउण की लोड़ है कि तुसीं किस तरह की बिजनेस करना चाहते हो, तुहाडे द्वारा बनाईया गई जिहड़ियां प्रोडक्ट्स है जां तुहाडे द्वारा सर्विस की गई प्रोडक्ट्स, तुहाडे द्वारा रिपेयरिंग की गई प्रोडक्ट भी तुहाडे एरिए जिहड़ी है वो किस तरह की लोड़ है। तुहानूं प्लानिंग के नाल नाल मार्केट का सर्वे भी करना पवेगा ता जो तुसी अपनी लोकैलिटी दे विच आले दुआले समाज दे विच किस तरह के जिहड़े उपकरण हैं वो लोग आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने उपकरणों की उन्होंने मशीनों की तुसी जिहड़ी है रिपेयरिंग कर सकते हो, उन्होंने तुसी सर्विसिंग कर सकते हो, उन्होंने तुसी मेंटेनेंस कर सकते हो, या फिर थोड़े बहुत इलैक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जो तुहाडे एरिया दे विच तुहाडी मार्केट दे विच लोड़ींदे हन उन्होंने तुसी असेंबल भी कर सकते हो। इस तरह के फिर ये इस गल ते भी निर्भर करता है कि सीजन के मुताबिक किन्ना चीज़ों की लोड़ है, जिवें कि गर्मियों के सीजन में असी जो कूलरस हैं उन्होंने असेंबलिंग कर सकते हाँ और उन्होंने असेंबल करके अगे मार्केट में सप्लाई कर सकते हाँ, बेच सकते हाँ। जदों के सर्दियों के सीजन के आम तौर पर हीटर्स की रूम हीटर्स की ज़्यादा लोड़ पैंदी है, उन्होंने दिनों के असी कूलरस का काम छड़ के असी हीटर्स या फिर रूम हीटर्स का काम जिहड़ा वो शुरू कर सकते हाँ। इस तरह सीजनल जिहड़ा हैगा काम असी इस नूं लोड़ मुताबक एरिए की लोड़ के मुताबिक लोकैलिटी की लोड़ मुताबक मार्केट की लोड़ के मुताबक इस नूं काम नूं असी चेंज कर सकते हाँ। इस दे लई सानूं बहुत सारी ट्रेनिंग की बहुत सारे एक्सपीरियंस की लोड़ पैंदी है। साढ़े इस किता मुखी कोर्सों के खास तौर पर उद्योगिक सिखलाई संस्थावां दे विच इस तरह की महारत थानू हासिल हो सकती है, इस तरह की ट्रेनिंग थानू मिल सकती है कि किवें तुसीं इलैक्ट्रिकल गुड्स नू इलैक्ट्रिकल उपकरणों इलैक्ट्रिकल मशीनों नू या होर दूसरियां बिजली नाल संबंधित जिहड़ियां मशीनां हन उन्हां नू किवें तुसीं रिपेयर कर सकते हो, किवें उन्हां दी सर्विसिंग कर सकते हो, किवें तुसीं उन्हां नू मेनटेन कर सकते हो। और तुहानू ये ट्रेनिंग लैण उपरंत एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है। मैं समझदा हाँ अगर तुसीं इस ट्रेनिंग के दौरान भी या फिर उस तो बाद थोड़ा समा किसी ना किसी अदारे विच जो है ये तजर्बा हासिल कर लवो तो तुहानूं अपना कारोबार शुरू करने के लिए होर भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होएगा, होर भी ज़्यादा लाहेवंद होएगा। इस दे नाल ही ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गल है कि तुसीं किस लोकैलिटी दे विच किस जगह पर किस लोकेशन पर अपना कारोबार शुरू कर रहे हो। अगर कोई लोकेशन इस तरह की है जिथे यहो जिहे काम की लोड़ ही काफ़ी घट है तो तुहाडा कारोबार चलना जिहड़ा हैगा वो संभव नहीं है, पर जिन्हां थावां ते जो उपकरण तुसीं ठीक करन जा रहे हो, उन्हां दी रिपेयरिंग करन जा रहे हो या सर्विसिंग करन जा रहे हो या उन्हां नूं रीअसैम्बल करन जा रहे हो, उस लोकैलिटी विच तुहाडे इन्हां उपकरणों की काफ़ी डिमांड है, काफ़ी लोड़ है, तो तुसीं उत्थे दूसरियां सर्विसिज दूसरे लोगों द्वारा खोले गए अपने कारोबारों के कंपीटिशन के बावजूद भी अपने आप को बहुत वधिया स्थापित कर सकते हो। ये निर्भर इस गल ते करता है कि तुसी उन्हां लोकां नू जो कस्टमर्स हैं तुहाडे ग्राहक हैं किस तरह दियां जिहड़ियां सेवावां प्रदान कर रहे हो। हुण सब तो वड्डी गल की है जदों असी कोई भी कारोबार खोलना है, ठीक है असी प्लानिंग भी तैयार कर ली, असी मार्केट का सर्वे भी कर लिया, असी ट्रेनिंग भी हासिल की हुई है, साढ़े को तजर्बा भी है, साढ़े को सारिया महारत हैं जिन्हों की बदौलत असी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, स्वय रोजगार अपना सकते हाँ। लेकिन ये सारा कुछ शुरू करने तो पहला सानू विशेष रूप में लोड़ पैंदी है अरेंजमेंट ऑफ मनी।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵਧਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਆਊਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਫਾਲਟ ਨੂੰ, ਪਏ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੋ, ਇਹ ਹੁਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਵੈਲ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ। ਵੈਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸਕਿੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਨਰ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਲਾ ਹੁਨਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੁਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ
मेंटेनेंस का या फिर कोई होर असैम्बलिंग का काम जिहड़ा है वो नाल शुरू कर सको। इस तो अलावा दोस्तों तुहाडे विच जिहड़ा हैगा तुहानू कंप्यूटर चलाउणा आउणा बहुत जरूरी है। कंप्यूटर तुसीं जिहड़े हैगे आ उहदी मैं नहीं समझदा कि बहुत बरीकी विच महारत हासिल होवे, लेकिन अज का युग जो है वह कंप्यूटर का युग है जिस दे विच तुहानू कंप्यूटर नू चलाउणा और थोड़ा बहुत वो जड़े है अगे फरदर जिस तरह कोई नैट वगैरह है कोई ईमेल भेजनी है या होर दूसरे मार्केट के सर्वे हैं ये सारा कुछ तुहानू आने बहुत जरूरी हैं। और कहिंदे ने मार्केटिंग स्किल, इस तो अगे है मार्केटिंग स्किल। मार्केटिंग स्किल एक अजिहा हुनर है ऐसा जिहड़े है गुण है जिस के तहत तुसीं मार्केटिंग दे विच अपना निपुणता हासिल कर सकते हो। अगर तुसीं किसी भी प्रोडक्ट नूं बहुत वधिया तरीके नाल तैयार तां कर लिया पर तुसीं उस नूं मार्केट विच सेल नहीं कर पाते तो मैं समझदा कि उस सारे कुछ का कोई फायदा नहीं है। सो वधिया जिहड़ा बिजनेसमैन है वो अपने प्रोडक्ट नूं किवें मार्केट दे विच जिहड़ा हैगा वधिया तरीके दे नाल बेच पाता है, किवें इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्रिएट कर पाता है, ये सारा कुछ इस गल पर निर्भर करता है कि तुहाडे विच की ये हुनर है। अगर ये तुहाडे विच हुनर है तो तुसीं अपने प्रोडक्ट नूं अपनी सर्विसिंग नूं अपने किते नूं लोकां विच डिमांड जिहड़ी है उहदी क्रिएट कर सकते हो और अपने कारोबार नूं बहुत वधिया तरीके दे नाल चला सकते हो। हुण असीं वेखांगे कि बिजनेस लाइफ साइकल की हुंदा है। अगर तुसीं कोई सर्विसिंग की कोई रिपेयरिंग की दुकान खोली है वो उसका लाइफ साइकिल की है, उसका लाइफ साइकिल के बारे अगर असं गल करिए कहते हाँ जो असी कोई भी फसल बीजते हाँ उसके लिए वधिया बीज की जरूरत पैंदी है। बिल्कुल इस तरह ही अगर तुहाडे कारोबार तुहाडे कारोबार की शुरुआत एक वधिया बीज के रूप में होगी तो मैं समझदा कि तुहाडा इस बीज द्वारा पैदा किया गया दरख्त या इस प्लानिंग द्वारा थोड़ा खड़ा किया गया कारोबार बहुत ही वधिया सक्सैसफुल जरूर होगा। इस तो अलावा थोनू मैनेजमेंट जी है वो बहुत जरूरी है। तुसी वधिया बीज बीजिया वधिया शुरुआत कर ली लेकिन अगर तुहाडे च इस काम नू मैनेज करन दी महारत नहीं है तो मैं समझदा कि काफ़ी संभावना महान कि तुसी इस काम नू ना कर सको। सो तुहाडे विच मैनेज करन दा जिहड़ा हुनर है वो भी होना बहुत जरूरी है। उस तो अगली चीज़ तुहाडे क्योंकि तुसी कोई भी काम करते हो कोई भी असैम्बली करते हो उहदे लई सानू रॉ मटीरियल की कच्चे माल की लोड़ पैनी है और कच्चा माल तुसी कित्थों लैना है ये तुहाडे अपने उपर निर्भर करता है। कहिंदे ने किसी भी कारोबार नू चलाउण दे लई अगर तुसी वधिया तो वधिया घट तो घट रेटां ते कच्चा माल या रॉ मटीरियल मुहैया करवा सकते हो मैं समझदा उन्ना ही ज़्यादा तुसीं जिहड़ा हैगा अपना प्रोडक्ट उहदे चों प्रॉफिट कमा सकते हो। सो तुहानू इहदे लई बेस्ट पॉसीबल मार्केट दा सर्वे करना पएगा कि रॉ मटीरियल या कच्चा माल किस किस थां ते किहो जी क्वांटिटी दे विच जिहड़ा हैगा वो अवेलेबल है, कित्थों सानू सस्ता मिल सकता है, कित्थों सानू वधिया मिल सकता है। फिर उस तो अगली गल है कि सानू जो असी प्रोडक्ट तैयार करन जा रहे हैं जो असी चीज़ असैम्बलिंग या मैनुफैक्चरिंग करन जा रहे हैं या फिर असी कोई रिपेयरिंग या सर्विसिंग का काम शुरू करन जा रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड किस तरह है। अगर तुहाडे कोल किसी फ्रेंचाइजी या किसी मल्टीनैशनल कंपनी का अगे सर्विस सेंटर है तो मैं समझदा ये भी एक बहुत अच्छी गल है क्योंकि उस सर्विस सेंटर के नाल तुसी उस कंपनी के प्रोडक्ट्स नूं भी सर्विस कर सकते हो बल्कि उस दे नाल नाल होर दूसरे उपकरणों नूं दूसरियां मशीनों नूं होर अपलायंसेस नूं भी अपने जिहड़ा हैगा उस शॉप ते उन्हां दी रिपेयरिंग उन्हां दी सर्विसिंग कर सकते हो।